अच्छा, ये बड़ा लोग कहते हैं कि जी फलां बंदा बड़ा इंटेलिजेंट था, अल्लाह ने उसको दीन की तरफ, अगर वो इतना इंटेलिजेंट था तो वो दीन की तरफ क्यों नहीं आया? क्या उसको दीन समझ नहीं आया? दीन अगर इतना आसान है, सीधी सी बात है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का वादा है, वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जिस बंदे ने वाकई हमारे मामले में सिंसेरली मेहनत की, अली भाई वाली बात है, सिंसेरिटी हुई ना, जिस जो हक को कबूल करता है, अल्लाह कहते हैं मेरा वादा लनहदियन्नहुम सुबुलना, इसमें एग्जैजरेशन है, इसमें यानी एम्फेसिस है कि हम ज़रूर बज़रूर उसको गाइड करते हैं, ये अल्लाह का वादा, वरना तो आप मुझे बताएं टेस्ट ही खत्म हो गया। एक बंदे ने पूरी जिंदगी मेहनत की हक को पहचानने के लिए, वो सिंसेर भी था, उसको हक नहीं पहुंचा, तो क्यामत के दिन वो अल्लाह को ये नहीं कह सकता अल्लाह मैंने तो कोशिश की थी, उसका तो उसके पास तो एक्सक्यूज आ गया। तो अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने दुनिया में भेजा ही एक्सक्यूज खत्म करने के लिए, वरना तो अल्लाह को तो पहले भी पता है कि इसका एंड क्या होना है। इसीलिए वो उलमा कहते हैं कि जो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का जो वाकया था ना, कि वो बच्चे को क्यों उन्होंने कत्ल कर दिया, और वो कहते हैं जी हालांकि तो अभी तो उसने गुनाह किया ही नहीं था, तो उलमा कहते हैं कि अल्लाह के पास जस्ट राइट है, अल्लाह का इल्म इतना कामिल है कि अगर वो बड़ा होता उसने ही करना था, तो अल्लाह के पास एग्जैक्टली राइट है कि वो ये कर सकता है, लेकिन अल्लाह करते नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को भी अपना जो है ना जस्टिस को बावर कराना है, और अल्लाह तो दुनिया में भेजा इसीलिए ताकि वो उस प्रोसेस को गुजरे और अल्लाह की जो तकदीर है उसकी तरफ, वो कहते हैं ना हम तकदीर से निकल के तकदीर की तरफ ही जाते हैं। अल्लाह की नॉलेज की परफेक्शन इतनी ज़बरदस्त है, मतलब मिसाल के तौर पर बड़ी सिंपल सी बात है, एक बंदा जो है वो अगर डिसऑनेस्ट है अपनी किसी मामले में, तो एक उसको एक राइट मिलता है, एक बॉस के पास राइट है कि उसको निकाल दे, ठीक है ना। कोई बंदा ये कह सकता है यार आपने क्यों निकाला, हो सकता है कल को ये अच्छा हो जाए, मतलब कल को अच्छे होने का तो कोई दलील किसी के पास नहीं है ना। मसला ये होता है कि अल्लाह की नॉलेज इतनी परफेक्ट है कि उसका ना करना भी करने के बराबर है, यानी एक बंदे ने अमल नहीं भी किया तो वो ऐसे ही है कि उसने किया, क्योंकि अल्लाह के हाँ तो वो बिल्कुल ऐसी चीज़ है जैसे फिल्म है। अल्लाह ताला का इल्म जो है, ये देखें इल्म नॉलेज किसी एक्शन पे यानी इन्फ्लुएंस नहीं करता, ज़रूरी नहीं है। इसकी आमतौर पर मिसाल ऐसे ही होती है कि जैसे कि यानी वो एक टीचर है ना, वो एक स्टूडेंट है, वो जो है ना वो टीचर पहले से एक क्लास में कहता है यार तू तो पक्का फेल है, वो फेल हो जाता है, वो कहता है टीचर मैं आपके कहने की वजह से फेल हुआ, वो टीचर कहता है मेरे कहने की वजह से, वो इस पर कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि टीचर का एक्सपीरियंस था, उसने अपने तजर्बे की बेस पे कहा कि यार जो बंदा इस तरह के करतूत करता है ना, मेरा तजर्बा पूरी ज़िंदगी में कि आज तक वो पास नहीं हुआ। अच्छा टीचर फिर भी गलत हो सकता है, लेकिन अल्लाह की नॉलेज परफेक्ट है, तो अल्लाह ने जब ये कह दिया है तो वो इसलिए नहीं कहा क्योंकि अल्लाह ने उसको बाउंड किया है, वो उसने करना ही था, अल्लाह को पहले ही पता था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि यमहुल्लाहु मा यशा व युथबित, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं वो मिटा देते हैं, जिसको चाहते हैं अल्लाह ताला साबित कर देते हैं। असल में सवाल यहाँ से पैदा हुआ कि हदीस में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा चाहता है कि उसके रिज्क में बरकत हो और उसकी उम्र में बरकत हो वो सिला रहमी करे, सही हदीस है। सवाल ये पैदा हुआ कि क्या वाकई अमल करने से उम्र बढ़ती है या, अच्छा इसमें दो उलमा की आ रहा है, कुछ उलमा ने कहा कि इसका मतलब ये है कि वो अपने उस मुख्तसर ज़िंदगी में इतना ज़्यादा अमल करने की अल्लाह तौफीक देता है, वो ऐसे ही जैसे कि 100 साल उसने अमल कर दिया, मसलन कुछ उलमा की कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसी होती हैं जो कि जनरेशन तक चलती हैं। और माल में बरकत का मतलब ये कि अल्लाह उसके माल में इतनी बरकत डाल देते हैं कि वो माल उसके लिए मोर देन सेटिस्फैक्ट्री हो जाता है, यानी हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो फरिश्ता आता है और फरिश्ता आगे अल्लाह ताला से पूछता है अमुदगा अलाका, बाकायदा पूछता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं मुजगा बने, अल्लाह ताला कहते हैं बने, फिर वो कहते हैं अच्छा अलाका बने पूरे स्टेप्स में, फिर अल्लाह ताला पूछता है अल्लाह ताला इसका रिस्क है फमर रिस्क, इसका रिस्क कितना लिखूँ, अल्लाह ताला एक एक चीज़ लिखवाते हैं। तो सवाल ये पैदा हुआ कि उस हदीस में और इस हदीस में कैसे आप इसको कन्फर्म करेंगे, तो उलमा ने इसका जवाब दिया असल में दो तरह की तकदीरें, एक तकदीर वो है जो कि जो है ना अल्लाह ने लिख दी है अपने लोहे महफूज में, वो तो अटल है, वो फाइनल चीज़ है, लेकिन एक तकदीर अल्लाह ने वो लिखी है जो कि चेंज भी हो सकती है, वो फरिश्ते के पास लिखी गई है, वो जो लिखता है ना उस वक्त में। तो उलमा कहते हैं यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित में जो तकदीर का मामला जो अल्लाह तब्दील करते हैं ना, वो दुआ की वजह से, अमल की वजह से, इस अमल की वजह से वो वाली तकदीर यूज़ करते हैं, चेंज करते हैं जो कि अल्लाह ने बनाई, लेकिन अल्टीमेटली अल्लाह की परफेक्ट नॉलेज के मुताबिक वो पता होता है कि फाइनल अल्टीमेट की ज़िंदगी वही होगी। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा वाला तकदीर का मसला है। और मैं आपको ये भी बताऊँगा हमारे भाइयों और बहनों को, मतलब मेरा ख्याल है ये बड़ा ज़रूरी है, तकदीर का मसला पूरी तरह समझ आना आपसे रेलेवेंट ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ। जब हम आपने फरमाया बल्कि हमारे उलमा कहते हैं कि जो बंदा ये कहे, हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स में मुझे ग़ालिबन इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की राय किसकी है, वो कहते हैं कोई बंदा ये कह देना कि मुझे तकदीर के बारे में सही समझ में आ गया, वो बंदा झूठा है। तकदीर अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत को आप कंसेप्चुलाइज एक हद से ज़्यादा कर ही नहीं सकते। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा जवाब देते थे जो आम बंदे को समझ आ जाए, लेकिन वो जवाब अगर आप कहेंगे वो इस तरह का जवाब था कि वो तकदीर की हकीकत बयान कर दे, अल्लाह की सिफात की हकीकत बयान कर दे, वो ऐसा नहीं था। साहबी ने पूछा ना कि हम अमल क्यों करें, अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में क्या लिखा गया, बात ही खत्म, यानी ये जवाब नहीं दिया, समझाया नहीं मसला, अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हें पता है, नहीं पता तो फिर तुम अमल करो बस,